आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा। माहिर रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल मौलाना अब्दुल खबीर ने कहा, 12 रबीउल अव्वल 19 अक्टूबर बरोज मंगल को होगी। रोही के नाजरीन को जश्न आमद रसूल मुबारक हो। अकीदा खत्म नबूवत अलैहि वसल्लम के तहफ्फुज का तारीख साज़। मुल्तान किला खाना कासिम बाग स्टेडियम आशिकाने फिजा लब्बैक या रसूलल्लाह के नारों से गूंजती रही। आशिकान रसूल दीवाना बाज झूमते रहे। आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा। शहर मुल्तान की अमीर मंजिल हुसैन आगाही में 100 पाउंड का केक काटा गया। आशिकान रसूल की बड़ी तादाद में शिरकत। दरूद सलाम की सदाओं से फिजा गूंज उठी। रबीउल अव्वल के जलूसों और तकरीबात में कोरोना एसओपीज के तहत इंतजाम किए जाएं। कमिश्नर नुमान यूसफ की जेर अदालत जलई। अमन और बैन मजाहिब हम आहंगी कमेटी का इजलास। जबकि कमिश्नर कहते हैं माह मुबारक में भाईचारे की फिजा को बरकरार रखा जाएगा। इजलास में डीपीओ असद सरफराज और असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान चौधरी समेत मेंबरान अमन कमेटी की शिरकत। कोरोना वायरस के फैलाव में कमी। एनसीओसी का तालीमी इदारों को मामूल के मुताबिक खोलने की इजाजत देने का फैसला। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं कोरोना का फैलाव कम हो गया। 11 अक्टूबर से तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खोले जाएंगे। मुल्तान के रेस्क्यूअर्स की रातों रात अमीर बनने की धुन। नौसरबाज रेस्क्यू ने कई अफराद को बैरून मुल्क चौधरी का झांसा दिया। मुल्तान के रेस्क्यूअर्स की रातों रात अमीर बनने की धुन। नौसरबाज रेस्क्यूअर्स ने कई अफराद को बैरून मुल्क नौकरी का झांसा भी दिया। रेस्क्यू अहलकारों को वेबसाइट भी बनाकर दी। कुछ अर्से तक अहलकारों को मुनाफा भी दिया। ज्यादा मुनाफे के लालच में अमले ने बड़ी रकम ताहिर हुसैन को दी। बाज अहलकारों ने जमीन बेचकर भी पैसे दिए। महकमा इनहार की नाहली की भेंट चढ़ने वाले 5 बच्चों की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में अहम शख्सियात शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। डेरा गाजी खान बस्ती जीवन जंदानी में 5 जनाजे उठने पर कोहराम दरबा। इलाके की फजा पर गम के बादल हर आंख अश्कों। बलोचिस्तान पंजाब बॉर्डर एरिया बवाचा में कबाइल में फायरिंग का वाकया। जब हक होने वाले कबायली उमायद वडेरा अब्दुल सत्तार एशियानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कबायली उमायदीन समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। बवाचा रुकनी में शोक का समा। तमाम दुकानें और कारोबारी मराकज बंद रहे। बहावलपुर रीजनल पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जुबैद रेश का अपने दफ्तर में अर्जुल रूम का इनका। 34 पुलिस अफसरों के शोकस नोटिस और अपीलों पर समाप्त। 12 अफसरों की सजाओं के खिलाफ अपीलें मुस्तरद और सजा बरकरार रखने का हुक्म दे दिया गया। 10 अपीलों की सजाओं के खिलाफ सजा में कमी का हुक्म। 4 अफसरों की अपीलें मंजूर। सजा खत्म कर दी गई। कमिश्नर डेरा गाजी खान सारा सुनकर कोट चुट्ठा शहर का दौरा। तरक्याती मनसूबों और डिजिटल गर्दावरी बारे ब्रीफिंग ली। स्कूल अस्पताल दही मरकज माल और दीगर जगहों की इंस्पेक्शन की। अस्पताल में वैक्सीनेशन काउंटर बद इंतजामी का शिकार। एमएसए वजाहत तलब कर ली। सीईओ हेल्थ को कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मुल्तान में इंटर कॉलेजेस हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल मैच गवर्नमेंट कॉलेज को वुमेंस बुरेवाला और होमिक इकोनॉमिक्स कॉलेज के माबैन मुकाबला हुआ। बुरेवाला कॉलेज ने 4 गोल से फाइनल मैच अपने नाम कर लिया। रहीम यार खान के 3 ब्लॉक ग्राउंड में पहला चौधरी कादिम हुसैन मेमोरियल कबड्डी टूर्नामेंट। पहले रोज लाला कबड्डी क्लब और सांघी कबड्डी क्लब में मुकाबला। खिलाड़ियों ने खूब दाव पेच आजमाए। डॉक्टर तहसीन हुसैन सदर पॉलिटी एसोसिएशन मियां अब्दुल सत्तार और मारूफ बिजनेसमैन हाजी रफीक खलजी समेत शहरों की बड़ी तादाद में शिरकत। खानेवाल के नवाही गांव 99R में नेजाबाजी के मुकाबले। नेजाबाजी के 17 क्लबों ने हिस्सा लिया। बर्क रफ्तार घोड़ों के शह सवारों ने महारत का मुजाहरा किया। डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास राजी ने भी मुकाबले देखे। अल हुसैन नेजाबाजी क्लब खानेवाल और गाजी नेजाबाजी क्लब साहिबाल ने बराबर पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन हासिल कर ली।